चलो आ जाओ आगे तक। मुकुफा के मंदिर आए हैं गंगोत्री धाम का, यहाँ पे उनका माई के माता का। आगे भाई ट्रक ने रास्ता बनाया हुआ है, इसी के ऊपर चलना है बस। यहाँ पे भाई ये लड़की एक जगह दिखा रही है, देखते हैं कहाँ दिखा रही है। कैसी मतलब कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। हाँ। भाई कल मैं गंगोत्री गया, वहाँ दर्शन नील माता के। भाई साहब कितना कितना प्यारे प्यारा कह रहे हैं यहाँ पे भाई। ये लड़की पहले मिल गई होती तो पहले घुमा देती। ये चेक करो सुबह सुबह का व्यू भाई। रात में ना पूरा अंधेरा हो चुका था और उस टाइम ना बस बर्फ पड़ना शुरू हुई थी, और अभी चेक करो भाई पूरी चादर बिछ रखी है ऊपर, एंड ऊपर साइड देखो भाई पीक्स में। तो भाई जहाँ हम कल गए गंगोत्री, तो वहाँ के तो क्या ही हाल हुए होंगे भाई। तो भाई मैं ना पर पहले 5:30 बजे उठा, फिर मैं 6 बजे उठा, तो फाइनली मैं ना 5:30 बजे जब बाहर आया ना, मेरे को भाई स्नोफॉल अच्छा खासा हो गया होगा। जब बाहर आया तो देखा भाई मतलब एक नंबर ही हो रहा था, और भाई देख के मतलब यार दिल को सुकून मिल गया भाई। तो भाई यही था, और बाकी बता दो भाई मैं अभी हर्षिल में हूँ, आज मेरा तीसरा दिन है। परसों माए कल गंगोत्री गए थे और आज हम हर्षिल में हैं अभी। तो आज का प्लान ऐसा है, आज हम करेंगे हर्षिल एक्सप्लोर, एंड प्लस ना इस पहाड़ी के पीछे है सात ताल, तो शायद मे भी हमारा प्लान बने कि हम वहाँ जाएँ आपको दिखाएँ। तो उससे पहले ना यार मैं सोच रहा हूँ कि नहा लूँ, क्योंकि 3 दिन से नहाया नहीं हूँ जब से आया हूँ, तो निकलते पहले नहा। सुबह के भाई 10 बज चुके हैं, और आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, हमने ना वाला रूम दोबारा से ले लिया है जहाँ कल रात में रुके हुए थे। तो आप लोगों ने मेरा इससे पहले व्लॉग नहीं देखा है तो आप देखो भाई, कल हम गंगोत्री गए थे और उसके रात में आके हमने यहाँ पे रूम लिया हर्षिल वैली में, एंड भाई दोबारा से ना उसी को चेकिंग। और यहाँ पे रात में जो बर्फ पड़ी है ना भाई, रात में मॉर्निंग भाई खतरनाक। अपनी बाइक देखो, सुबह तक ढकी हुई थी, अभी फिर भी ठीक है। तो भाई बाहर ना बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, और भाई तब से ना हम इधर ही मतलब यहाँ की वायु ले रहे हैं, और भाई अभी लंच करेंगे और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से आगे कहीं यहाँ पे घूमने की जगह होगी। उससे पहले भाई लंच दिखाता हूँ आपको। ये दोनों भाई रेडी, और भाई ये कुछ चावल पहाड़ी चावल और अरहर की दाल, क्योंकि भाई हमको ना बाकी भाई आपको सही बता दो, हम ना 3 दिन बाद आज चावल खा रहे होंगे, और क्योंकि भाई पहाड़ी चावल है और भाई ये दाल अरहर की। बाकी भाई ये दोनों भाई, और भाई ने बनाया, भाई कहाँ गए राजा भाई? भाई ऊपर चलेगी भाई किसी और को रूम दिखाने। फिलहाल तो भाई खाते हैं हम ये खाना, एंड इसके बाद ना हम लोग निकलेंगे आगे कहीं, यहाँ पे भाई बढ़िया भी होगा। बाकी भाई भाई ने बनाया, बाकी भाई ने बनाया खाना, और भाई का ना चैनल है राजा मेहर के नाम से ना, राजा मेहर, राजा MHR अगर सर्च मारोगे तो आपको नमस्ते देवभूमि UK नाम करके यूट्यूब पे आ जाएगा। बाकी भाई खाना खाते भाई के हाथ का, और देखते हैं कैसा खाना है। बाकी तो देखो भाई साथ की जो जिसकी बाइक है ना इन दोनों की, भाई ये रूम पे ना ऊपर पैक है पूरा का पूरा, और इनका बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का। गिर मत जाना भाई, हाँ ऐसा ना हो कि बाइक से दब के ही दम घुट जाए। बाइक इतनी भारी हो, चलो आ जाओ आगे तक। मैं मजाक ही कर रहा हूँ वैसे तो। क्या चीज? नहीं नहीं यार ऐसे क्यों बोलूँगा, और क्या क्या पता सीरियस भी हो। अरे यहीं पे आगे पे बैठो बैठो, हाँ हाँ ठीक है ऊपर ही जा रहा मैं। ये फुट रेस्ट होगा यहाँ पे लेफ्ट में नीचे, छोड़ किराया किराया लगेगा 700 रुपये किराया। ऊपर क्या है नीचे चलते हैं ना। क्या है यहाँ पे रोड है? अच्छा
है, मुसवा गांव है यहाँ से ऊपर, यहाँ बर्फ भी है भाई, ब्लैक आइस, दिस इज ब्लैक आइस, सीधा है ना भाई साहब, क्या ही रोड हो रही है और कितना प्यारा व्यू ऊपर से यार। बाकी यहाँ भाई ब्लैक आइस भी बहुत ज्यादा है ना, गंगोत्री वहां पे कहीं है ना ऊपर। भाई चलाओगे? नहीं। मैं सिखाऊंगा ना, हाँ गिर तो जाएगी, इतना तो है, मजा आएगा बर्फ में, बर्फ में गिरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोड पे नहीं यार। आगे भाई यहाँ से देखो कितना भयंकर स्नो का पैच शुरू हो गया यार। नहीं नहीं गिरोगे नहीं यार, मैं हूँ तुम्हारे साथ, अब दोनों गिरेंगे ना, तुम्हें गिराऊंगा ना, दोनों गिरेंगे तब। हाँ मैं हूँ साथ देने के, दोनों गिरेंगे हम। ब्लैक आइज है भाई बहुत ज्यादा, बहुत तगड़ी ब्लैक आइज है। आगे भाई ट्रक ने रास्ता बनाया हुआ है, इसी के ऊपर चलना है बस, हल्का सा भी अगर इसके इसके लेफ्ट राइट हो गए ना तो गए। जैसे हम धराली से आगे जाते हैं ना, जो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है व्यू पॉइंट का, वो कहाँ पे वो काफी आगे है ना वो? भाई कितना भयंकर है, तो पूरी बाइक स्लिप हो रही है। नहीं नहीं उतरो मत, हाँ गीले में गिरेंगे, बात तो है। वो सामने मंदिर किसका है? अच्छा ये मुकवा, ये माता है जो मुकवा, जो गंगोत्री माता है ना, अच्छा गंगोत्री का माइका ये है, ठीक है ओके। सच सच में आ गए, मजाक मजाक में आ गए, देखा क्या सीन है। नाइस, अब बजाओ। अरे अरे बजा दिया भाई। तो ये मुकुबा के मंदिर आए हैं गंगोत्री धाम का, यहाँ पे उनका माइके माता का। यार छत खोलने पड़ेंगे, हाँ। बंद है वैसे भी, हाँ। यहाँ तो चल जाएंगे, हाँ। यहाँ पे तो जा सकते हैं ना छत खोल ऐसी, हाँ यहाँ तो जा सकते हैं। ये गंगा जी हैं, ये सबसे पुराना, हाँ लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है ये भाई साहब, कितना कितना प्यारा प्यारा घर है यहाँ पे भाई। ये लड़की पहले मिल गई होती तो पहले घुमा देती, बाकी तो अपने दोस्त निकम्मे हैं, ब्लॉग देख रहे हो भाई, गाली मत देना। इसमें कोई रह भी रहा कि नहीं रह रहा है इनमें? नहीं ये पुराना हो गया ना, बाकी आसपास है, बट अभी नहीं है। अच्छा भाई पहले देखो दरवाजे से छोटे आसपास तो होंगे लोग ना, हाँ। कहाँ पे? अच्छा लेके जाना हेलमेट। तो यहाँ पे भाई ये लड़की एक जगह दिखा रही है, देखते हैं कहाँ दिखा रही है। वही अच्छा, गया मेरा शीशा, गया भाई। ओ वाओ बहुत प्यारा है, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तुम बताओगे थोड़ी अपने गांव की हिस्ट्री मेरे को। मैं ये मुखवा गांव है, ठीक है, हाँ। वो राजा विल्सन थे ना जो यहाँ के, क्या राजा थे ना जो विल्सन, हाँ हाँ, तो उन्होंने शादी इसी गांव की लड़की से की थी। अच्छा वो रानी कौन थी? मुखबा, मुखबा, अच्छा। और ये गंगा माँ का हुआ है,
माइका इस टाइम गंगोत्री माता जो है यहाँ पे है। हाँ, 6 महीने के लिए यहाँ होती है, 6 महीने के लिए गंगोत्री। अच्छा, वो कितना सुंदर विलेज है, बिकॉज ऑफ मंदिर मुखबा इसी नाम से फेमस है भाई अपनी ब्यूटीफुल लोकेशन से। और देखो उस जगह से हम आए एंड कल हम उस रोड पे गए थे, पूरा का जो पूरा गंगोत्री का रास्ता है। देखो वो रास्ता कहाँ जा रहा है, वाला ऊपर वाला जा रहा है, 7 साल के लिए वो भी है और इधर से भी ये वाला दिख रहा है ये रास्ता। अच्छा हाँ, गंगोत्री माता के ना दर्शन तो हमने यहाँ पे कर लिए। और भाई कल ना हम लोग गंगोत्री गए थे तो वहाँ हमारे दर्शन नहीं हो पाए थे, क्योंकि जो माता है ना वो अपने मायके में आ रखी है, तो बाद में इनकी डोली जाती है यहाँ से। एंड सामने भाई ऋषिदेव जी का मंदिर है, दिख रहा होगा तो वहाँ पे वो वाला। बाकी आप चेक कर सकते हो कितने पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं भाई। और इस लोकेशन में ना लड़की लेके आ गई मुझे, इसका शुक्रिया। और ना सामने उस साइड भाई 7 ताल है जो कि यहाँ पे फेमस है हर्षिल में, इस पहाड़ी के पीछे। बाकी देखो भाई वहाँ पे ना धूप निकल गई है उस साइड में, मतलब यार 3 दिन बाद ना आज धूप निकल रही है। अब कहाँ पे श्रीखंड, कहाँ पे है श्रीखंड? श्रीखंड पहाड़ है पूरा का पूरा, 7 ताल उसी के बीच में नीचे उसके। अच्छा, ये वाला दिख नहीं रहा क्योंकि बादल है। हाँ हाँ, और वहाँ पे तुमने कुछ बताया। हाँ, वो है ना त्रिशूल पहाड़। तो आपका त्रिशूल जैसा पहाड़ है उस साइड ना, उसके तीन नाम है। त्रिशूल भी बोलते हैं उसको, मंदाकिनी 1-2-3 भी बोलता है और हर्षिल के सिंह भी बोलते हैं। अच्छा, हर्षिल के सिंह भी बोलते हैं। सामने बंदरपुर का बैक साइड। तुमको 3 दिन हो चुके हैं घूमे ना भाई, लिटरली कहीं नहीं है हमको तो, मतलब इतना उससे देखिए भाई बर्फ पड़ी है कहाँ कहाँ जाएंगे। बाकी अभी अपने लौंडे तो भूल ही जाओ उनको, इस लड़की ने दिन अच्छा कर दिया शाम के टाइम मेरा भाई। कैसा फीलिंग है, कैसी मतलब कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। हाँ। भाई कल ना मैं गंगोत्री गया, हाँ। वहाँ दर्शन नहीं हुए माता के। हाँ। और भाई मतलब अभी ना आप मेरे को यहाँ पे लेके आ गए हो तो ऐसा लग रहा है कि मतलब दर्शन मेरे यहीं पे हो गए माता के, क्योंकि माता का मंदिर यहीं पे है। बाकी ना भाई ये चेक करूँ, मंदिर के दर्शन हमारे हो चुके हैं। और भाई यहाँ पे घर देखो कितने पुराने पुराने घर हैं, और सारे भाई वुडन वर्क करा हुआ घर है। सबसे पुराना घर भाई ये वाला है जो कि बताया है इन्होंने, घर इतने प्यारे प्यारे हैं ना भाई, रहने का मन कर रहा है। अब एक दिन का स्टे मिलता तो मज़ा आ जाता यार। करते होंगे यहाँ पे लोग होम स्टे वगैरह, कराते होंगे? अच्छा, तो बाकी भाई ना अभी ऊपर से हम आ चुके हैं नीचे, और बाइक हमने यहाँ खड़ी कर दी थी, अभी ऊपर के ना पूरे मज़े लेके आ गए हैं। और पूरा दिखा दिया आप लोगों को भाई कि गंगोत्री माता इस टाइम अपने मायके में रहती है। और डोली किस टाइम पे जाती है इनकी? डोली जाएगी अब अप्रैल में। अप्रैल में यहाँ पे कितने टाइम रहती है माता? 6 महीने। 6 महीने यहाँ पे और 6 महीने वहाँ पे। अच्छा, और जो बाकी की जो और देवता वगैरह थे वो भी जो साथ जाएंगे? हाँ, साथ मतलब आधे तक छोड़ने जाते हैं। जो सोमेश्वर देवता है ना, हाँ, उनके भाई है एक, इधर के सोमेश्वर देवता है धराली गाँव। अच्छा, ये दोनों भाई उनको मारकंडे तक छोड़ने आते हैं, बाकी वापस आएंगे। फिर वो वापस आ जाते हैं, वहाँ से वो अकेले जाएंगे। तो भाई बाकी जो तो ना अपने को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि माता यहाँ पे रहती है, इन्होंने बता दिया भाई, तो शुक्रिया, वरना पूरा दिन आज खराब जाता। आपसे भाई बहुत ज़्यादा ब्लैक आईज है।